कृष्ण नगरी मथुरा के कणकण में भगवान कृष्ण का वास है और यह भूमि कृष्ण की उन लीलाओं की साक्षी रही है। इसी के चलते यहाँ पेड़ों से भी बांसुरी और ढोलक की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। मथुरा से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मांट इलाके के बंसीवट में जहाँ भगवान कृष्ण अपनी गाय चराने जाते थे और गाय को बुलाने के लिए एक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गाय यहाँ दौड़ी चली आती थी। ये पेड़ देखने में बेहद आम पेड़ की तरह ही लगता है, लेकिन इस पेड़ से कान लगाकर ध्यान से सुना जाए तो इसमें से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। माना जाता है कि इस वृक्ष पर कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो इस पेड़ में दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई और इसी की वजह से इससे आज भी बांसुरी की वही मधुर तान सुनाई देती है। इसी कड़ी में एक श्रद्धालु ने बताया कि हमने बहुत सुना था कि इस वट वृक्ष से आवाजें आती हैं। यह अभिलाषा थी कि वट वृक्ष को देखा जाए और सौभाग्यवश इस वट वृक्ष के दर्शन हुए। इस वृक्ष में से राधे राधे की आवाज सुनाई देती है। बंसीवट के महंत ने बताया कि कई बार इस वृक्ष की मशीनों के द्वारा जांचें भी कराई गई और ऊर्जा मापक यंत्रों से भी इसकी जाँच हुई, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। इससे साफ है कि श्री कृष्ण आज भी इस वृक्ष में निवास करते हैं। हमने बंसी बजाया, गऊ चराया था, यहाँ पेड़ से आवाज आता है। आपने सुना है? हाँ जी, हमने सुना है। कान लगा के खड़े हो जाओ जी, यहाँ आवाज आता है पेड़ से। क्या आवाज निकल रही है? दड़म 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 मधुर मधुर बंसी की आवाज आती है। तो क्या ऐसा सच में सुना है आपने? सच में अभी भी सुन सकते हो आप सामने। क्या मान? इससे साफ है कि श्री कृष्ण आज भी इस वृक्ष में निवास करते हैं। मथुरा से जनमत न्यूज के लिए सैयद जाहिद की रिपोर्ट।